हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकेश और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इनोवा का रियर पाइप एक्स्ट्रा मजबूत कैसे बनाते हैं और उसका फिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको 8 mm मोटी प्रोफाइल प्लेट में से 2 यू शेप के हुक बनाने हैं और इसे इस प्लेट में इस तरह से वेल्ड कर देने हैं। वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर रेक्टेंगल शेप की पाइप को कर्व शेप देके इसके ऊपर वेल्ड कर देना है और ये प्लेट के बोल्ट्स चेचिस में दिए हुए कंपनी के ओरिजिनल और एक सपोर्ट एक ऊपर से एक्स्ट्रा लगाएंगे हम। एक तो ये एक्स्ट्रा लगाया है और एक यहाँ पे ऊपर ये नट एक लगा हुआ है चेचिस में से, वो नीचे वेल्ड हो जाएगी पट्टी। टोटल 4 बोल्ट एक साइड और 4 बोल्ट दूसरी साइड। ये हमने चौथा बोल्ट लगा दिया है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नट नहीं लगानी है, कंपनी ने यहाँ पे एक नट दिया हुआ है अंदर चेचिस में, तो इसे ही यूज करना है। ये पाइप हमने एकदम हैवी लिया है और इसे आप कितना भी जोर लगा लो ये कभी बेंड नहीं होगा और इसे आप किसी की गाड़ी टो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बम्पर हमने इसलिए बनाया है कि ये जो बाज़ार में रेडीमेड गार्ड मिलते हैं एल्यूमिनियम के, फाइबर के, पीवीसी के, स्टील के, वो सारे हल्की क्वालिटी के होते हैं। यानी आप देख सकते हैं इससे आपका गाड़ी का लुक ज़रूर मिलेगा लेकिन सेफ्टी के लिए बेकार है। ये फाइबर का भी देखिए आप टूट गया है, तो ये इस पार्टी ने दोनों गार्ड यूज़ किए हैं। अब तीसरी बार हमारे यहाँ बनवाने के लिए आए हैं। अब इसको नीचे खोलने के बाद पूरा वेल्ड हो जाएगा, पक्का वेल्डिंग होगा और इसके बाद ये पाउडर कोटिंग मिल जाएगा। मेरा वर्कशॉप है गुजरात में महसाना सिटी में। ये हमने 4 बोल्ट फिट किए थे। ये एंगल तो हमने अर्थिंग के लिए लगाया हुआ है वेल्डिंग करने के लिए, जो बाद में खोल देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का हुक आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।